कि हमारा दोस्त रंजीत सिंह के बाद में घर गया था तो हमें एक दर्जा देने से इनकार क्यों किया था। रोकना है निकालकर अबे किधर देखता है कि मेरा कर्जन मालिक बोलो क्या मेरे पास है तुम्हारे पास एक पैसा नहीं है सरकार ओ पैसा नहीं है तो हम तुम्हारे बाप के नौकर हैं, हजार बार तुम्हारे घर सारे मांगने आए सरकार अब दीदार मुझे माफ कर दो और मैं इंतजाम करके तुम्हारा कर्जा मालिक देखिए इंसान ही गलती का बदला होता है और किस समय किससे गलती हो जाए लेकिन ये गरीब किसान है ये अपनी गलती की माफी मांगता है मालिक इसको एक बार इसकी गलती की क्षमा जरूर की जाए। अरे बिच खपड़े ये बताओ कि ये हरा पहले साला बंधा हमारा लोगों कर्जा दे पाएगा सिर्फ चार महीने से पहले उसका घर हम लोग साले कुत्ते के तरीके से आते हैं लेकिन हमारे मन साला हरकत करता रहता है लेकिन हमारे नाम पर खाप कभी नहीं खाता है।
याद से होता हो और यही इसका दल बच्चे हो हा ठाकुर साहब मेरी बात सुनो क्या कहना चाहते हैं आप उनके कहने से बोले ठाकुर साहब बोलिया पुके कहने से से मैं छोड़ देता हूं लेकिन एक बात याद रखना वादा करो कि मैं किस दिन तक कि मैं आपका कर्जा चुका दूंगा पहले पता कर लो अपने पिता से जाकर के ठाकुर साहब और करते हैं कि आपका कर्जा हम दो चार दिन में वापस कर देंगे चलो ठीक है कोई बात नहीं दो समझे थे कि आप कहने से Thank you.
जा रहा हूं, अगर देर हुई तो याद रख मैं फिर आ जाऊंगा आपके पास, लेकिन ये याद रखना कि दोबारा अगर आऊं तो मैं वापस नहीं जाऊं और मैं लेकर जब जाऊंगा। ठीक है ड्राइवर साहब, अब आपको दोबारा हमारे घर आना नहीं पड़ेगा। चलो बहुत अच्छा, लेकिन याद रखना ठाकुर साहब आप आपसे वादा करते हैं। क्या बताए, हम इतने गरीब इंसान हैं कि एक एक दाने के लिए और एक एक पैसे के लिए मोहताज है। मेरा भाई भी मुझसे मुंह मोड़ कर मुझसे झगड़ा कर न जाने कहां चला गया होगा। पिताजी हाँ बेटा, और मां आप लोग चलकर आराम करें और हम ठाकुर साहब का कर्ज अदा करने के लिए कोई उपाय करते हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है चलिए। भगवान अब मैं क्या करूं और कहा जाऊं। ठीक है चलते हैं। ऊपर वाला ने चाहा तो कहीं ना कहीं जरूर रुपए पैसे की व्यवस्था जरूर हो जाएगी। और बेहतर है जमाना पैसे की खोज में निकल पड़ता है और उधर से वही जमींदार नटराज की बेटी जिसका नाम बिसैला होता है, बिसैला उधर से रास्ते में निकलती है और उधर वही अमृत भी निकलता है। और देखिए दोनों में रास्ते में कैसी मुलाकात होगी, आप लोग सीन देखें। Oh,
चलते हैं क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है और चलते हैं। दीदी जी आखिर ये बताइए, आपका चेहरा इतना उदास है और आप कहां को जा रहे हैं? देवी जी हम बहुत गरीब इंसान हैं। गरीब इंसान? हाँ देवी जी, और जाता जाती हो? जी हाँ। आखिर ये बताइए आपका नाम क्या है? जाना चाहती है तो सुनिए मेरी बात। क्या कहना चाहते जी? और अमृत तेरा नाम है, we'll be right back।
देवी मुसाफिर जी और देवी जी मुसाफिर हो कर दिन का तुम्हारा नाम अमृत है। हाँ देवी जी। और तुम्हारे पिताजी का नाम बड़कौर किसान है। हाँ देवी जी। हम इसी बिजनौर शहर के बड़कौर किसान के बेटे हैं। अच्छा, आखिर ये बताएं तुम्हारे ऊपर मुसीबत क्या है? देवी जी आपको क्या बताएं, हमारे पिताजी ने काफी दिन पहले जमींदार नटराज के यहां 500 रुपया कर्जा लिया था और अभी तक हमारे पिताजी वो कर्ज दे नहीं पाए। कल जमींदार नटराज और उसका दोस्त रंजीत सिंह आया था हमारे घर पे, मेरे पिताजी को मारा और मुझसे रहा नहीं करते थे जी। मैंने उनसे वादा किया है कि हम तुम्हारा कर्जा 2-4 दिन में लौटा देंगे। हाँ हेलो, ये देखिए दोस्तों, अमृत की दशा देखते हुए ये हमारे बड़े भैया भोंदू सिंह, ये भोंदू सिंह भाई साहब जो ग्राम सभा यानी ढोलपुर के रहने वाले हैं, ये अमृत की सील पर खुश होकर 101 रुपए का इस विशेष इनाम हाथ हाथ भेजे हैं। पार्टी की ओर से धन्यवाद। धन्यवाद। और देवी मैंने उनसे वादा किया है कि 2-4 दिन में हम आपका कर्जा लौटा देंगे और उसी कर्जे के एवज में हम दर बदर की ठोकरे खाते हैं और हमारी समझ में नहीं आता है देवी जी कि हम उनका कर्जा कैसे चुकाएं। देखिए आप फिक्र मत करिए, मैं आपको 500 रुपया देती हूं। और तुम जानना चाहते हैं नटराज सिंह हमारे पिताजी हैं और मैं उन्हीं की बेटी, मेरा नाम तिसैला है। क्या तुम आपकी बेटी हो? जी हाँ। नहीं देखी जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अरे तुम्हारे पिताजी को देखो, उनके दिल में दया नाम की कोई चीज भी नहीं है और तुम्हारे दिल के अंदर तो सुख का सागर भरा हुआ है। अरे तुम्हारे दिल के अंदर इंसानियत है, इंसान नहीं इंसानियत की इंसानियत को तुम समझती हो और तुम्हारे पिताजी वो कुछ नहीं समझते। ठीक है अमृत, देखिए आप देर मत करिए, आइए मेरे साथ और मैं आपको पैसे देती हूँ, आप हमारे पिताजी को लौटा दीजिए। आइए क्या बताएं, कितनी अच्छी लड़की है आपका, अति बढ़िया बेटे। वाह, बताओ बहन का कर्जा अब वहां देकर चुकवा दे, बताओ कौन बात
अतनी मस्त बिचेवा है। पागल है जो, अरे पागल कही के तुम्हारी गलत सोच हमेशा ही रहती है। नहीं हम गलत नहीं कहते, हम यो कहते गरीबी देख कर बेचारी देख माया नहीं। अरे उसके दिल में दिल है। हाँ वह बताते वही पर तो माया नहीं। तू हमेशा उल्टी सीधी बातें करता है पागल कहीं का, तेरे कहने का मतलब हम समझते हैं। नहीं तो कहा तुम्हारे पर गुस्सा का कर्जा तुम्हारे वापस कर दिया। अरे वो मेरी मजबूरी को जानती है। हाँ बात भैया गरीबी देख कहे चलो बेचारे का मदद कर दे, लेकिन वो अभी तक आई नहीं। नहीं नहीं सही है, बहुत बढ़िया बेटेवा, बहुत स्वादिष्ट बेटेवा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो झूठ बोल कर चली गई हो। उसने कहा भी हम पैसे देते हैं लेकिन वो अभी तक आई नहीं। अरे चार दिन भैया कब हो तुम्हारे पास? ठीक है उसे आने दो। और इसलिए हम बात कुछ करेंगे। इधर आओ देखो, अब हमें किसी का डर नहीं रहेगा। सही है, अब हमारा कर्जा उतर जाएगा। फिर कौन डर, फिर तो जमींदार रहे हैं तो उनसे अकड़ के बोला जाए क्या तुम्हारा कर्जा उतार देना। आप कौन डर हो? सही कहते हो, थोड़ा पैसे आओ। अरे पैसे कैसे ले दो? अजीब तरह के आदमी हो। ये लीजिए अमृत, आप पैसे देने का मतलब समझते हैं? ये पैसे तुमने दिया और इस पैसे का मतलब हम नहीं समझते हैं। देखिए हेलो, एक जरूरी सूचना जरूरी ऐलान, हमारे मेला कमेटी का कोई अध्यक्ष हो या कोई मेला कमेटी का सदस्य हो वो आकर के हमारी कंपनी मालिक को संपर्क करें, जरूरी हो। कष्ट के लिए धन्यवाद। धन्यवाद देखो क्या है, मैं जा रही हूँ, आप पैसे देकर ठीक है? ठीक है देवी जी, आप चलिए आओ चलते हैं घर की तरफ। क्यों सही है भैया, आओ रफिकड़ी मेरी बना दे। काम क्या बातचीत करते हैं? चमकाए
घ्योरे बिच खपड़े सामने आ जाओ। क्या बताओ कि हम लोग दरबार से गए थे अपने महल के लिए, लेकिन जान चलो दरबार सुना पाया तो साले क्या गा रहा था रे तफरी। कौन सी तफरी हो रही थे तुम्हारी? इन पे बढ़िया ही कर दिया है मालिक। किसकी बढ़िया हो रही? कहा कह दिया है? अरे रंग रंगीले वस्त्र पहन को लगा था हो। अरे साले हम लोग पुल्स पीते हैं, सिगरेट नहीं पीते, पुल्स पुल्स। का मालिक तुम भी सुपिया थे? हम लोग ठाकुर हैं, छोटी मोटी सिगरेट नहीं पीते हैं। का तुम ठाकुर ही हो? अरे साले सिगरेट पिए थे मालिक? पिल्स पीते हैं। अच्छा पिल्स पीते हो? क्यों नहीं? हम वहां कह दिया है मालिक, हम नहीं जाने पाओ। ये बताओ काए मालिक हमारे दोस्त है दरबार में? हाँ मालिक तुम्हारे दोस्त दरबार में आईखे हुए हैं। बाहर ड्यूटी कर तो अंदर का ड्यूटी हम करी तुम्हारे, अंदर का ड्यूटी हम करी थे। हम साफ साफ तुमसे बताए थे अंदर कैमरा में बेरेट पे बैठे। क्या? अंदर कैमरा में बेरेट पे बैठे। साले ये बता, सारे पेट बोलते हैं या साले उसे बेल्ट बोलते हैं? अरे मालिक बाहर तो हम कहे थे हमारे बच्चे के है नहीं तो कहा जल्दी मालिक। सारे तुम शुद्ध हो? हाँ हम जाने थे मालिक। इसलिए साले तुम साले किसी को पहचानते नहीं हो, कौन कैसा आदमी है? हाँ मालिक हम जाने थे, हम पे शुद्ध है, हम पे जो पढ़े लड़े हैं नहीं, हम हरजन हैं। तुम आप लोग बरवार आदमी मालिक, आप लोग बड़े मन है, हम पे जो हरजन हमारे पीछे के बरुआ हर जाए नहीं। मालिक यही क्या समझावा कर सारे का तुम्हारी बात के ये सार समुचित नहीं। उसे कहते हैं मालिक हमारा बहुत बढ़िया है, मालिक हमारा बहुत बढ़िया। हम बोल रहे हैं तुम हमारी बात के साथ मालिक हमारा बहुत बढ़िया, यही मेरे कहे तो मालिक हमारा बहुत बढ़िया। तुम समझे तू नहीं, समझे तू नहीं। ये सत्र शंकर ये बताओ काये क्या बोला जाता है?
कि तुम उसे समझते नहीं हो। हम समझते नहीं। संतर सभान बात सुभान सुभान के बात करो। अब जो तुम करी हो हम वही विच कर मालिक। क्या बात है? ठीक लागे फ्री आयो। क्या रे बात हमारी? ओए शंकर वो चक्का मारूंगा कि ये स्तोत्र सारे जितने दांत थे उतने भी बाहर आ जाएंगे। कभी कभी के छपरा न मारे जो सब की रिकी है जो बच्चे वो उठनेंगे। ओ तो साले जानता है रंजीत सिंह के सामने उल्टी सीधी बात मत किया कर चला। अब न कर चाहे करवा के दे बात चीत मालिक बात करो मालिक भाई। आइए ना दोस्तों इधर जमींदार नटराज और रंजीत सिंह बैठे हैं। उधर से नटराज की बेटी बिंदी आती है और देखिए अपने पिताजी से क्या बात करती है। दोस्त रंजीत सिंह बोलो मेरे दोस्त क्या बात है? ये बताओ कहां से आ रहे हो मेरे दोस्त? इस समय मैं आपकी प्रजा की तरफ से आ रहा था। आपकी प्रजा आपका जयकार करते हैं मेरे दोस्त। बहुत अच्छी बात है ऐसा होना चाहिए क्योंकि प्रजा में कोई प्रकार का न कष्ट होना चाहिए और न कोई निर्भय करे। नहीं मेरे दोस्त ऐसा रंजीत सिंह के सामने आपको कोई अगर कोई बात कहे तो रंजीत सिंह उसकी आंखें निकाल ले सकता है। अगर कोई आपके ऊपर हाथ उठे तो उसका साले का हाथ तरफ कर सकता है। बोले मेरे दोस्त क्या सवाल? आओ मेरे दोस्त दो चार बात बैठकर दो चार बात करते हैं और उसके बाद में सोचते हैं क्या होता है क्या नहीं। क्या बताए चले यार ये बातें करनी है। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। क्या बात है? नौ सत्ते आए आए बुद्धू जब मैंने तुमसे बार बार बता दिया है कि नाम लेना सीख लो कह भी ले ही। बोलते दीदी नमस्ते। दीदी नमस्ते क्यों बताओ पैदा रही की बसते? भैंसी भी गाय ठहरती है। अरे तो वह पुस्तक क्रोध पालो गई ठहरो क्रोध सुदाहन बगर चार गो जहन के अर्दन न दे ना मारो दीदी। ठीक है नहीं मारू जी ये बताओ हमारे पिताजी दरबार भैया कहीं कहा दिया है सूद सुदाहन चारी गो जहन नहीं जानत है कौन बिरादरी आही कहा धन दे ते बनिया मन क्यों नहीं कि धन दे ते बनिया मन बुरा न माने भैया अरे पंडित जाति खवाए थे और कहा कि है चिरौरी छतरी यानी ठाकुर मन सर पासी जाति लतियाए थे खजूरी के ऊपर बैठ जाए विधानसभा में लेकिन पासी अला नहीं रहा था। चलो कोई बात नहीं चलो चल के विदेश से बात करती है।
बताओ मैं आपके पास किस लिए आई हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आप बैठ जाइए, आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? आई हो किस वास्ते, मतलब क्या है? किस लिए आई हो बेटी? बता रहे हैं, बैठ जाइए।